नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि सीधे तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिव्यांग मुखिया है, इनका नाम नागेश्वर दास है। दरभंगा के सिधौली पंचायत के ये मुखिया हैं। इसी पंचायत में विधायक रामचंद्र प्रसाद भी इसी पंचायत से आते हैं। बता दें कि मुखिया नागेश्वर दास जब से मुखिया बने हैं, देख सकते हैं ये अभी जूता और चप्पल को एक साफ रुमाल से साफ कर रहे हैं। तू ही निरंकार देख सकते हैं, इनके पुत्री प्रियंका का शादी हो रहा है और अपने घर पर ये सत्संग करवा रहे हैं। सत्संग में गांव के लोग, आसपास के लोग, रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। नागेश्वर दास ने सभी लोगों को आवाहन किया है कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सभी लोग हमारे बेटी के शादी, प्रियंका एक ही बेटी है जिसकी शादी में, आप सभी लोग आइए और आशीर्वाद दीजिए। आपको बता दें कि नागेश्वर दास देख सकते हैं घर पर सत्संग करवा रहे हैं। आपको इंटरव्यू सुनाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार नागेश्वर दास ने इस सत्संग के पीछे का राज क्या है और आखिरकार क्यों भक्तिभाव में इतना लीन रहते हैं और शादी में क्या क्या होने वाला है। पूरा इंटरव्यू सुनिए और जानिए कि आखिरकार जो नागेश्वर दास हैं वो अपनी बेटी के शादी में क्या खास कर रहे हैं। विचारों का एक प्राणी है और वह जैसा सोचता है संस्कृत वैसा बन जाता है और संस्कृत इसके लिए काल में आप सब जाते पे। हमारी पुत्री की शादी 1 मई को है, उससे पूर्व आज निरंकारी संत समागम का आयोजन मेरे यहाँ किया गया है। कहाँ से आए हैं बाबा लोग? विभिन्न जगहों से आए हैं, पूरे दरभंगा जिला से विभिन्न जगहों से महापुरुष आए हैं और कहा गया है कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तीर्थ गए एक फल संत मिले ही फलचार, सतगुरु मिले ही अनेक फल, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। तो एक तरफ दुनिया के सुख को यदि एक पलरा पर रख दिया जाए और दूसरी ओर सत्संग को रख दिया जाए तो सत्संग की महत्ता बहुत ही महान है, जैसा कि रामचरितमानस में और सभी धर्म ग्रंथ में वर्णित किया गया है। तो हम सभी के चरणों में निवेदन करेंगे, जहाँ दुनियावी सुख समृद्धि को हम प्राप्त किए हैं तो उसका वास्तव में सदुपयोग हो, वास्तव में उपयोग भोग अच्छा हो, तो उसके लिए ये ब्रह्म का ज्ञान जरूरी है, सत्संग जरूरी है। चप्पल जूता को देखे, आपको नए रुमाल से पूछ रहे थे, इसका मतलब क्या है? चप्पल जूता को नहीं देखे, आप तो पहले से ही देखे कि भगवान राम जब वो वनवास के लिए निकल गए थे तो भरत जी भगवान राम का जो चरण पादुका था उसको राजगद्दी पर रख करके, तो जब हम हर नर में ब्रह्म का स्वरूप दर्शन करते हैं तो फिर वो ब्रह्म हमारे महापुरुष हैं और उनका उच्चरण पादुका था तो उनका संतों का चरण रज ले रहे थे स्वामी, जिसे कि लोक सुखी और परलोक सुहेला होता है। शादी कब है, क्या कहना चाहते हैं आदमी लोगों को आने के लिए? हम अपने सिधौली पंचायत के साथ साथ पूरे हाया घाट के तमाम मुखिया जी, तमाम पंचायत समिति महोदय, तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम प्रबुद्ध सभी के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि मैं दिव्यांग आदमी हूँ, हमारे माता पिता सब कुछ आप ही लोग हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, दास अकेला है और आर्थिक स्थिति भी उतना बेहतर नहीं है, फिर भी सतगुरु का आसरा लेकर, इस ब्रह्म का आसरा लेकर यथा योग्य व्यवस्था किए हैं आगंतुकों के लिए, तो हम जिनको कहना भूल गए हैं या कार्ड नहीं पहुंच पाया गरीबी के कारण, हम उतना कार्ड भी नहीं छपा पाए, तो सभी को पावन चरणों में विनती करेंगे कि वे सभी आकर के हमारी बच्ची को और हमको और हमारे गाँव को आशीर्वाद देने का कृपा करेंगे। उम्मीदवारों को भी विनती किया गया है, महेश्वर हजारी जी को भी विनती किया गया है, सभी पत्रकार बंधु को भी आमंत्रित किया गया है, भावी चौधरी को भी आमंत्रित किया गया है, हम सभी को विनती करते हैं, गोपाल जी बाबू को भी करते हैं, संभावी जी को भी करते हैं, ललित यादव जी को भी विनती करते हैं और हम नीतीश जी जो प्रमुख हैं, हमारे विकास जी जो हाया घाट के जो प्रमुख प्रति दोनों थाना APM पतोर बहेरी हाया घाट लहरियासराय कुशेश्वर स्थान सिंगिया, हम सला हम पूरे दरभंगा जिला के पुलिस पदाधिकारी को भी और तमाम जो सिविल पदाधिकारी हैं सभी के पावन चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनके चरणों में रहकर हम चाय बेचे हैं और चाय बेचते बेचते हम मुखिया हो गए हैं। तारीख को हमारी पुत्री की शादी है, बारात कैना मोरवाड़ा से आ रहा है, हम सभी को प्रार्थना करते हैं कि हमारी पुत्री को और हमारे दामाद को आकर क्या से हमारे सिधौली पंचायत के तमाम मुस्लिम भाइयों को भी और तमाम जितने हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग जो भी हैं
हम सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि 1 मई को जो हमारी पुत्री की शादी है उसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर शोभा बढ़ा।